गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम आवर बीएल मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ दो, दादाजी की सीख। इसमें क्या कहा गया है, इस पाठ में ये कहा गया है कि हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए तथा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छी आदतों को ही चुनना चाहिए, बुरी आदतों को हमको अपनाना नहीं चाहिए। अब देखिए, जैसे किसी शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम राहुल था। एक शहर था जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। लोगों को परेशान करना, रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना, ना जाने कितनी बुरी आदतें उसमें थी। अब आपने देखा कि वह कितना परेशान करता था लोगों को। अगर कुत्ते चुपचाप चल रहे हैं तो उनको भी वह क्या करता था, पत्थर मारता था, और कई सारी ऐसी आदतें थी जो उसके अंदर बुरी थी। उसकी मम्मी पापा उससे बहुत परेशान थे। विद्यालय के एक हफ्ते की छुट्टियां होने पर राहुल के मम्मी पापा ने उसे उसके दादाजी के पास गांव भेज दिया। अब क्या हुआ, छुट्टियां होती हैं हमारी, है ना, गर्मियों की छुट्टियां हुई उसकी, तो हम लोग भी कहाँ जाते हैं, कभी नाना नानी के यहाँ जाते हैं, कभी दादा दादी के यहाँ जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो भी इतने परेशान थे तो उन्होंने सोचा कि इसकी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई है तो हम इसको क्या कहाँ भेज देते हैं, अब दादाजी के यहाँ, जो दादाजी कहाँ रहते थे, गाँव में। और वहाँ पर जाते हुए भी उसने क्या कर दी, शैतानियाँ शुरू कर दी। रोज़ गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंच जाते। परेशान दादाजी ने एक दिन उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने राहुल से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। क्या हुआ, दादाजी के पास पहुंच जाते, वहां पे भी सब लोग इतने परेशान हो जाते थे, गांव के सारे लोग दादाजी के पास पहुँच जाते थे। तो दादाजी एक दिन कहाँ पहुँचे, बगीचे में। वहाँ जाकर उन्होंने राहुल से कहा कि तुम एक पौधा उखाड़ दो। राहुल ने जड़ से उसे उखाड़ दिया। उसके बाद दादाजी ने एक और थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा, ठीक है, राहुल ने उसे भी खींच कर निकाल दिया। अब की बार दादाजी ने उसे बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन वह झाड़ी थी कि ठस से मस नहीं हुई। अब क्या हुआ, पहले उसको छोटा पौधा उखाड़ने के लिए कहा, उसने आराम से उखाड़ लिया। फिर दूसरा उखाड़ने के लिए कहा, उसने वो भी वापस उखाड़ लिया। लेकिन तीसरा पौधा इतना बड़ा था और वो जड़ से इतना अच्छे से उसमें समाया हुआ था, उगा हुआ था, कि वो उखड़ नहीं रहा था, उससे बिल्कुल अच्छे से उखड़ नहीं रहा था। राहुल ने अपने सारा जोर लगा दिया, लेकिन वह झाड़ी थी कि ठस से मस नहीं हो रही थी, यानी वो हिल भी नहीं रही थी। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। क्या बोला, उसने ये बोला कि उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। तब दादाजी ने कहा, बेटे बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ है, उन्हें शुरुआत में निकालना आसान है, लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ लें तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। तो उसके दादाजी ने उसको ये सीख ली कि अगर हमारी आदतें अगर शुरुआत में पड़ गई है, गंदी आदतें, अगर हम उसको शुरुआत में ही छोड़ दें तो हमें उसे छोड़ना बहुत आसान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होंगे वो हमारी आदतें पड़ती जाएगी, ज़्यादा हम हमेशा गंदी आदतें ही अपनाएंगे। झूठ बोलना, हमारी आदत अगर झूठ बोलने की पड़ गई तो हम क्या करेंगे, झूठ ही बोलते रहेंगे। चोरी करने की हमारी आदत पड़ गई तो हम चोरी करते रहेंगे, है ना। अगर किसी से झगड़ा करने की हमारी आदत पड़ गई है तो हम झगड़ा करते रहेंगे। तो ये अच्छा है कि हम लोग अपनी आदतें और ज़्यादा बुरी पड़े, हम लोग बड़े होने के बाद भी वो गलतियाँ करें, उससे अच्छा है कि हम शुरुआत में ही अपनी जो गंदी आदतें हैं उसको छोड़ दें। दादाजी की इस शिक्षा से राहुल का जीवन बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से सभी उससे अच्छा व्यवहार करने लगे। अब देखो, उसने दादाजी ने कितनी अच्छी सीख दी उसको, दादाजी ने इतनी अच्छी सीख दी उसको कि हमें अपनी आदतों को हमेशा शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। जब शुरू करते हैं तभी गंदी आदतों को हमको छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे अंदर वो गंदी आदतें ना पड़े और हम अच्छे बच्चे बनकर रहें। तो इस तरीके से उसकी शिक्षा का उस पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि वह बहुत अच्छा लड़का बन गया। वो उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और सबसे अच्छा व्यवहार करने लग गया। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा, अब आपको क्या करना है, मैंने पढ़ा दिया, अभी आपको वापस इस चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है अच्छे से और इसको पढ़कर समझना है। ठीक है, थैंक यू।